आप जो टैक्स देते हैं उस टैक्स के पैसे से हमने दिन रात पढ़ाई करके पीएचडी की है। हमारा बाप अमित शाह थोड़ी था कि हम बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाएंगे, हैं? तो जब हमने आपका नमक खाया है तो हम जानते हैं इस देश की हकीकत क्या है। इस देश की हकीकत यह है कि महात्मा गांधी विदेश में पढ़ाई किए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वह भारत आए और मोहनदास करमचंद गए बिहार, और बिहार में किसान के आंदोलन में शामिल हुए चंपारण में, और बिहार के किसानों ने करमचंद को महात्मा गांधी बना करके भेज दिया, और वो गांधी सूट खोल दिए देश के लिए। वो भी गुजरात से थे। एक गुजरात के गांधी सूट खोल दिए देश के लिए, एक गुजरात के मोदी 10 लाख का सूट पहन लिए दोस्त के लिए। यही हकीकत है ना। और कहते हैं कि एक गरीब प्रधानमंत्री बन गया है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस हम ये चाहते हैं कि जैसे आप गरीब हैं ना, वैसा ही गरीब इस देश का हर कोई बन जाए। हर कोई वैसा ही गरीब बन जाए कि चढ़ने के लिए उसके पास 8.5 करोड़ का हवाई जहाज हो, 15 करोड़ का कार हो, 10 लाख का सूट हो, 5 लाख का चश्मा हो, 2.5 लाख का कलम हो। हम चाहते हैं कि ऐसी गरीबी पूरे देश को मिल जाए। चोरी, इसको चोरी कहते हैं, इसको बेईमानी भी कहते हैं, इसको कहते हैं आंख में झूठ झोंकना, और ये हमारे आंख में झूठ झोंक रहे हैं। हमने आपका नमक खाया है। आप जो टैक्स देते हैं उस टैक्स के पैसे से हमने दिन रात पढ़ाई करके पीएचडी की है। हमारा बाप अमित शाह थोड़ी था कि हम बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाएंगे, हैं? तो जब हमने आपका नमक खाया है तो हम जानते हैं इस देश की हकीकत क्या है। इस देश की हकीकत यह है कि महात्मा गांधी विदेश में पढ़ाई किए, बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वो भारत आए और मोहनदास करमचंद गए बिहार, और बिहार में किसान के आंदोलन में शामिल हुए चंपारण में, और बिहार के किसानों ने करमचंद को महात्मा गांधी बना करके भेज दिया, और वो गांधी सूट खोल दिए देश के लिए। वो भी गुजरात से थे।